परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरों विनती करूं अंदरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियों में बांधी जम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है वही इस काल के कुल उसे छूटकर कुछ समय के लिए सुख का सांस और परमात्मा की महिमा प्राप्त करने के लिए सुनने के लिए यहाँ पहुँच पाते हैं। आप एक विशेष आत्मा है परमात्मा की, कभी ना कभी आप उनके साथ रहे हो, परमात्मा का संग किया है किसी युग में। और परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। हम इस काल भगवान के द्वारा अपने को इतना अज्ञानी बना दिया गया है कि हम परमात्मा के उस मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाते जो वो अपने संदेश के द्वारा हमें सुनाना चाहते हैं, हमारे को बताना चाहते हैं। हम दुखी होते हैं तो परमात्मा की खोज करते हैं, सुखी होते हैं तब हम बकवादों को खोजते हैं, और जब सुख होता है तब परमात्मा याद नहीं करते, जब दुख के कहर टूटते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यदि आप सुख में भी भगवान को याद रखें तो आपका ये जीवन भी सुखमय रहे, कष्ट आप पर आवा नहीं। जिस समय कष्ट आ जाते हैं तब भगवान को याद करते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
सुख में सुमर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई कहें कबीर। जय सुख में सुमरण करें तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की फिर कैसे लगे फरियाद। तो हम सुख में यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आवें। आपदाओं घेर लेती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, फिर कहते हैं इतनी। जिन्होंने सुख में भगवान को याद रखा है उन पर आपदाएं नहीं आती, ये विधान है भगवान का। और जिन्होंने सुख में भगवान याद किया नहीं, दुख में फिर रोने लगे, फिर परमात्मा नहीं सुनता। फिर सुनता कैसे है? कहते हैं कबीर हरि जर उठ गया तो गुरु की शरण में जावे, और कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक तो हमारा राम प्रसन्न होता है, भगवान खुश होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखी नजर आता है तो आम व्यक्ति कहता है कि भाई इस पे भगवान राजी है, परमात्मा इस पे प्रसन्न है। और जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही कहते हैं कि हमारा राम रुष गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया। कारण क्या है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, शुभ कर्म चलते हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी। हम चाहे कितने गलत काम करते रहें, चाहे हम कितना उदमस उतारें और कितनी ही गलत वस्तुओं का सेवन करें। जैसे हम पहले देखा करते थे और अब तो और अच्छी तरह ध्यान में आती हैं ये बातें, जो व्यक्ति कभी भगवान को स्वप्न में भी याद नहीं करते और सारा दिन कोई गुटी लावे, कोई ताश खेले या कोई बकवाद करे, अटपट करता है और सारे सुख हैं उनके पास, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि इनके अभी कोई संस्कार ठीक चल रहे हैं। और जब उनके ऊपर आपदाएं आने लगी, एक से एक बढ़कर उन पर आपत्ति टूटी। लेकिन उस समय हमें यह ज्ञान नहीं था कि अब ये दुखी क्यों हो गए। अब पता चला कि हमारा जो प्रारब्ध बनता है एक जीवन का, मनुष्य का जो जीवन निर्धारित किया जाता है, वैसे तो प्रत्येक प्राणी का ही, तो उसमें पुण्य और पाप दोनों ही का योग किया जाता है। जिनके संचित कर्म वो हैं जो युगों युगों से आप जी करते आए हो और वो आपके दो अकाउंट खुले रहते हैं, एक बैड अकाउंट एक गुड अकाउंट। बैड अकाउंट में ये सब पाप इकट्ठे लिखे जाते हैं और गुड अकाउंट में आपके पुण्य और भक्ति कर्म नोट होते हैं। जिनके संचित कर्मों में पुण्य अधिक हैं और पाप भी पैरेलल हैं ही, तो उनकी एवरेज ली जाती है। जैसे 20% पुण्य ले लिए, 20% पाप ले लिए। जब पाप जिसके लाख हैं तो अपने आप बहुत घने हो गए, और पुण्य थोड़े हैं तो 20% में थोड़े ही पुण्य आएंगे। तो जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी हैं और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, और जब हम दुख का सामना करते हैं तब आम व्यक्ति भी कहते हैं कि इनके साथ बहुत बुरी बन रही है, और वो खुद कहते हैं कि हमारा राम रुष गया, हमारे भाग फूट गए।
अब जैसे कोई जंगल में खेतों में कार्य कर रहा है और एक गड़ा पानी का भर ले गया, जब तक उस गड्ढे में जल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यास लगी गट गट दो गिलास पी लिए, और जब वो गड़ा खराब खत्म हो गया यानी जल खत्म हो गया, गड़ा खाली हो गया, तो फिर उसको आपत्ति का सामना करना पड़ेगा, प्यास लगेगी। तो उसके वो पुण्य थे वो खत्म हो गए समझो, जो उसने संग्रहित करके ला रखे थे खेत में जल भर के। अब वो फिर क्या करता है, उस गड्ढे को फिर से भरने के लिए कहां जाता है, या कुआ तलाशता है या किसी हैंड पंप की खोज करता है। अब वहां जाकर के हैंड पंप या कुएं से वो फिर से उस गड्ढे को भर लेता है, तो आपत्ति आती है। तो उसका क्या इलाज है, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े उनका के लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गुरु जी को समझो हैंडपंप, सतगुरु जो होंगे उनका कनेक्शन, उनका संपर्क उस सुखदाई परमात्मा से होता है। जैसे हैंडपंप का निचला हिस्सा उस शीतल और मीठे जल में होता है, और उस जल, उस हैंडपंप के पास आप जाओगे तो हैंडपंप से आप अपना फिर वो खाली घड़ा भर लीजिए। कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, यदि आपके पुण्य रूपी घड़ा खाली हो गया तो फिर सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, वो हैंड पंप है उन पुनों को से आपका फिर से घड़ा भरने के लिए। अब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बिलाए। अब ये कैसे बोला परमात्मा ने, इसलिए बोला कि जैसे एक तरफ तो घड़ा भरा है पानी का और एक तरफ खड़ा है हैंडपंप, हैंडपंप इज गुरु, और घड़ा पानी का जो भर दिया वो समझ लो जल है राम, यानी जो हमें राहत दे सुख दे, तो वो जल आपको, घड़े का जल आपका राम है और हैंडपंप गुरु है। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किस को काके लागू पाए, स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। उस घड़े से और घड़े और हैंडपंप में से किसको सिलेक्ट करेंगे, परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि हम तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हैं, हैंडपंप मिल गया तो 20-100 घड़े भर ले, और हैंडपंप नहीं है तो जो भगवान यानी जल आपके पास उपलब्ध है वो कुछ ही समय के लिए है। तो इसलिए सतगुरु का इस जीवन के अंदर घनी जरूरत है। ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हैंडपंप है जो इस विश्व में नहीं है। जो आपको राम मिला दे और जो आपके खाली घड़े को पुनों से फिर से भर दे, इस विश्व में वो प्रक्रिया है ही नहीं जो इस दास के पास है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कबूतो दीन दयाल के धनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़ जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मेल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली साकेट भलो नपूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके चाम भी कट कट के गिर रहा हो, और जो सुंदर शरीर वाले हैं वो भक्ति नहीं करते, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, अपुणात्माओं ये शरीर न तो सदा किसी का रहा है ना रहेगा, इस बात से सभी परिचित हैं लेकिन दृढ़ता नहीं है, इसके ऊपर हमारे दिमाग की सुई टिकती नहीं है। कभी विशेष आपत्ति होती है, कोई किसी की दुर्घटना या वैसे मृत्यु देख लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम भी थोड़े चिंतित होते हैं, उसके बाद फिर से मिट्टी गिर जाती है हमारी सोच के ऊपर। तो उसके लिए सत्संग में आने से वो ज्ञान फिर से होता है, ताज़ा होती हैं वो याद, जिन कारणों से हम विचलित हैं, भ्रमित हैं, और जिनके भूल जाने से हम गलतियां बहुत करते हैं, तो वो यहाँ याद दिलाई जाती है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा दवे है सतगुरु दातार। तो क्या याद दिला जाता सत्संग के अंदर, राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल वो कंचन महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो जिसकी झोंपड़ी की छत भी टूटी हो लेकिन भगवान को याद करता हो। और जो भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा उसके विषय में क्या कहते हैं, जो बच्चा गऊ की नजर में यो साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वचल भगवंत। हम भगवान की महिमा से कोसों दूर हो गए, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा कौन है ये दृढ़ता हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि हमें गुरु ठीक मिले नहीं। सभी भ्रमित व्यक्ति हैं, गुरु पद प्राप्त है, अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, श्रद्धालु एक सीधे से होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, और जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी वो संत का कोई बोर्ड देख लेते हैं उसी पर समर्पित हो जाते हैं कि बड़ा विद्वान होगा हमें कुछ ठीक गाइड करे। वो स्वयं भ्रमित हैं तो उन्होंने आज तक समाज को ठीक गाइड नहीं किया, और जिसका परिणाम आज तक ये मानव भोग रहा है। तो अब उसका सही रास्ता सही ज्ञान, और कौन है वो रियल गॉड वास्तविक भगवान, ये बिल्कुल खोज हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब आपने केवल भक्ति भक्ति करनी शेष रह रही है इस ज्ञान को समझ के। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडा उस गुरु की जिससे संशय न जाए, कहते इसे गुरु का भाड़ में जाओ, वो गुरु जिससे शंका निवारण नहीं होती संत भगत की। तो इस ज्ञान को दास जो आपको बता रहा है ये गॉड गिवन है,
ये कोई रामपाल का अपना घर का बनाया हुआ नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल रियल है। ये आपका कब समझ में आएगी वो आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से जितनी आस्था से इसको सुनोगे, ये एक दिन फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। और दो साधना दास बताता है फाइनल मंत्र है, विश्व में इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं और कोई भक्ति नहीं। और तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो किसी भी वस्तु को ये निर्णय करने के लिए वास्तविक और अवास्तविक, सत्य है या असत्य है, उसके लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ता है। सबसे पहला आधार हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो हमारे जो विशेष ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये आदि ग्रंथ हैं, और पुराण और कुरान बाइबल, ये एक सतर के हैं। बाइबल कुरान पुराण ये एक सतर का ज्ञान है, और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बोला है, क्योंकि जो चारों वेद थे इसमें पांचवा वेद और था, जिसको तत्व वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको इस काल भगवान ने, जो यहाँ का भगवान है, इसने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान कंप्लीट दिया था यहाँ के भगवान ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। इसने जब वो फैक्स बाहर निकाला, देखा उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इसके लिए विपरीत थी, क्योंकि यहाँ का जो भगवान है ये काल है, ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, और इसको 100,000 मानव शरीर धारी खाने का एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये इसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई और भगवान है। जो परमात्मा है उसका नामो निशान मिटा दिया, और किसी भी वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने इसलिए हमें मिसगाइड रखने के लिए, भ्रमित रखने के लिए, उस वास्तविक ज्ञान को खत्म कर दिया, उस वास्तविक भक्ति का नाश कर दिया। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते, तो वो परमात्मा, एक तो हमने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, जिनको आज तक हम सिर पर रखे फिर रहे थे, अब कुछ सिर पर पंथ चल पड़े हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते वेद गीता को, ये भी तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है, वेद वाले ज्ञान को कोई व्यक्ति लिख कर दिखा दो, उसके मिलते जुलते को श्लोक दोहे बना दो, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके बराबर कोई वाणी बोलकर लिख कर दिखा दो, तो ये एक अलग बात है कि ना माने वो तो आपकी मौज है, ना मानो, ये भारत का संविधान है, ये भी किसी व्यक्ति ने लिखा है, और कोई अपनी मर्जी की कोई बुक बना कर बैठ जा कि हम तो इसको मानेंगे इसको नहीं मानते, तो कितनी अकल है उस व्यक्ति में। तो जो ये कहते हैं कि हम वेद और गीता को नहीं मानते, तो उनकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, वो कति भ्रमित है, काल के पक्के दूत हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो संपर्क भी करना व्यर्थ होता है। हाँ, समझाने की चेष्टा अवश्य करें, मान जाए तो प्रेम से, उनको भी भ्रम है, वो उनका समाप्त हो। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमारे ग्रंथाधार बन गए, ग्रंथों में मेन ग्रंथ हैं, मेन ग्रंथ तो ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर ने जो स्वयं आकर ज्ञान दिया है, कबीर वाणी। तो कबीर वाणी को तो हम पढ़ते 600 वर्ष से आ चुके हैं, कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। और जितने भी विश्व के आज वर्तमान के अंदर संत हैं, वो तो कैक है भी नहीं जानते भक्ति मार्ग का, और ये PhD की बातें, वो पहली कक्षा के बच्चे नहीं है,
तो इन पीएचडी के ज्ञान को वो कैसे समझ सकेंगे? वैसे गुरुपद प्राप्त करके वो खुश हो रहे हैं, तो उनको समझने के लिए परमात्मा की कृपा और उसका कृपा पात्र संत उन्हीं की रजा से उनको ठीक सुलझा सकता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, नौमन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तब ऐसा सुलझा दिया इस ज्ञान को हर प्रमाणित करके, एक केंद्र पर छः छः प्रमाण दिए दास ने, जब जाके ये अज्ञान ने जगह छोड़ी है और आपके हर हृदय में ये ज्ञान समाया है। एक तो हमारे सदग्रंथ आधार हैं, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए ही हम भक्ति करते हैं, सुख हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आवे ताकि हम अपनी भक्ति कर सकें और सतलोक जाएं उस शक्ति से, भक्ति की सिद्धि से, और तीसरा हमारी परम गति हो। अगर यही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या भक्ति का? और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करने से तो ये तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य माने जो करने योग्य हैं भक्ति के कर्म, और जो ना करने योग्य उनको सदग्रंथों को ही आधार मानकर समझना कि कौन से कर्म लिखे हैं करने की, कौन सी भक्ति है। और दूसरा फिर हम उन महापुरुषों को आधार मानेंगे जिनको परमात्मा मिले हैं, उन महापुरुषों ने कौन से मंत्र जाप किए हैं, उन्होंने किसको खुदा बताया है, किसको भगवान बताया है। और वही हमारे सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं तो फिर हम संशय रहित हो जाते हैं। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनको परमात्मा सीधे मिले थे सतलोक से आकर के। ये परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक उस सुख स्थल से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, अपना परिचय देते हैं, फिर वो संत भी उस परमात्मा की आंखों देखा देखी महिमा का गुणगान किया करते हैं। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं? नंबर एक, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा और बागपत वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे नामदेव जी को मिले थे, लेकिन वो हमारे इतने पिक्चर में नहीं आ सके, क्योंकि जिस भी संत को पहले भगवान मिले हैं वो उनको लास्ट स्टेज में मिले हैं। जैसे नामदेव जी, पुराने संस्कार बहुत ज़्यादा थे, पिछले पुण्य अधिक थे, सिद्धियाँ थी, उससे पहले बहुत सुप्रसिद्ध हो चुके थे और वो ओम नाम का जाप करते थे, रामकृष्ण को भी साथ ही भक्ति करते थे। फिर बाद में परमात्मा उनको मिले, उनको सच्चाई से परिचित कराया, फिर उनकी एकदम सच्ची भक्ति की नारी हो गई थी, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आ पाती, जिस कारण से हम पहले वाली ही उनकी महिमाओं का गुणगान करते कराते और सुनते सुनाते रहे।
जिस कारण से हम सच्चाई से अपरिचित रहे। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले, और उनको परमात्मा, यहां एक मिनी सतलोक है परमात्मा का एक ब्रह्मांड में, वहां लेकर गए उनकी परीक्षार्थ, लेकिन वो नहीं, अपनी इच्छा वहां रहे नहीं, उनको वापस छोड़ दिया। और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले, उनको साथ लेकर के सचखंड गए। तो अब उन महापुरुषों ने क्या बताया है कि परमात्मा कौन है और कैसा है। अब जैसा कि दास साहब को बता रहा है बार बार के, वेद भी यही बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, मनुष्य सदृश है, और उसी का समर्थन वो महापुरुष करते हैं जिनको परमात्मा मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे मथुरा के अंदर, और उसमें वो श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के पुजारी थे। शंकर भगवान की भी साथ साथ हम जैसे हिंदू धर्म में पूजा करते ऐसे वो कर रहे थे। एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर विश्वास करते थे, व्रत भी बहुत करते थे, धर्म भंडारे भी करते थे। उनको परमात्मा मथुरा में मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और उसके बाद फिर भी उनकी समझ में नहीं आई तो फिर उनको सचखंड अपने सतलोक, जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ हम सभी रहा करते थे, हम अपनी गलती से यहाँ आए हैं, उस स्थान पर लेकर गए। अब उसके विषय में धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया है, जैसे धर्मदास जी बार बार ज़्यादा विवाद करते थे, ज्ञान को समझने में देरी कर देते थे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है, प्रथम बार जब इस ज्ञान को सुनते हो तो प्रत्येक को ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अटपटा सा है और ठीक सा नहीं लगता। तो धर्मदास जी ने ऐसे कई बार बकवाद करी थी, 5-6 बार, और परमात्मा उनको ज्ञान बताते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे, वो फिर रोते थे, तड़पते थे, फिर मिलते थे, फिर ज्ञान सुनाते थे, फिर कहीं ना कहीं वो पुराना पेंट फिर से गड़बड़ कर जाता था, पुराना रंग, तो परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे आज इस बिचली पीठी के लिए, इसलिए उनके साथ इतना झंझट किया, इतना खड़ा किया, और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा, फिर वो निश्चिंत और दृढ़ हो गए कि अब कोई संसार में भगवान दूसरा नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, तो वहां जाकर के उन्होंने जो वो सुख देखा, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मुझे वापस मत भेजो, मुझे यहीं रख लो। तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रख सकते, आप नीचे जाइए, और पहले आप भक्ति से परिपूर्ण थे, भक्ति कीजिए, मैं ऐसा मंत्र दूंगा धर्मदास तुझे, ऐसा सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, कि आप शीघ्र ही भक्ति से धनी हो जाओगे और यहां आ जाओगे। तब धर्मदास जी वापस आए, और जब परमात्मा सतलोक गमन कर गए, अपनात्माओं कई समस्याएं ऐसी आती हैं, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल भूल दूर हो चुके हैं, हमें ज्ञान नहीं रहा, और जिस कारण से हम छोटी छोटी बातों पर विवाद बनाकर सत से दूर हो जाते हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट अवतार हैं,
ये नौ चित्तवें बुद्धि नाश और खलक खेल खलक में छह ऋतु बारह मास। परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड हैं और परमात्मा जब चाहे जिस क्षण में पृथ्वी पर आ जाता है और एक सेकंड में अपने लोक में होता है। इसके विषय में आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तिल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंढा पावे। नानक साहब जी ने कहा कि हाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। तो उसके विषय में ये कहा है कि वो परमात्मा ऐसा है एक सेकंड में तो मेरे पास बैठा दिखे, दूसरी क्षण में मैं देखता हूं वो सतलोक जा चुके होते हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जी जब चाहे यहां आ जाते हैं, सहसरी रहते सहसरी चले जाते। वैसे ये 21 ब्रह्मांड काल की जेल है और इस जेल में कैदी ही आ सकते हैं, लेकिन राजा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो किसी जेल में कभी जा सकता है और उन कैदियों को सुविधाएं देने के लिए। तो वो परमात्मा हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो यहां धर्मदास जी ने क्या बताया है, जब परमात्मा अंतर ध्यान हुए, धर्मदास जी क्या पुकार रहे हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, कटण यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमृत भोजन मारे सतगुरु कर हैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छेड़ गया, वहां टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।
अब हम जो आज सिद्ध करना चाह रहे हैं आपको, वेद बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 86 का 26 और 27 मंत्र, उसमें क्या लिखा है कि परमात्मा धूलोक के, धूलोक माने उस तेजो में स्थान, सतलोक एक पृथ्वी है, उसका कलर वाइट है, जैसे कि तक काले रंग की मिट्टी होती है और कहीं पर लाल रंग का बालू रेत होता है, तो उस परमात्मा वहाँ की जो मिट्टी है कंप्लीट एक कलर की है और सफ़ेद है और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है, और वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी वाइट कलर के हैं, वाइट हैं लेकिन उनके अंतर होता है, प्रत्येक फल का थोड़ा सा हटकर कलर होता है, पत्तों का थोड़ा सा हटकर होता है, पेड़ का हटकर होता है, होता सफ़ेद ही है। तो वहाँ क्या बताते हैं कि वो परमात्मा उस धूल लोक के, उस सतलोक के तीसरे पोर्शन में, थर्ड पार्ट में टॉप पर विराजमान है। वहाँ तीन विभाग हैं उस सतलोक के, जैसे दिल्ली है अपना राजधानी, तो दिल्ली के तीन पोर्शन हैं, एक तो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र है वो दिल्ली स्टेट ही कहलाता है, और फिर वो क्षेत्र है जहाँ बाजार बने हुए हैं दूसरा, और तीसरा जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो पार्लियामेंट बैठती है वो तीसरा स्थान है। इसी प्रकार वो परमात्मा धूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, और वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और भक्तों के पाप नाश करता है जो साधना करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 17 से लेकर 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर इसका सारांश बता देता है दास कि वो परमात्मा तीन प्रकार से लीला करता है सभी प्राणियों की केयर टेक करने के लिए, देखभाल के लिए। एक स्थिति परमात्मा की है कि ऊपर धूलोक यानी सतलोक के तीसरे पोर्शन में यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर में, सुन शिखर में, चोटी पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है मालिक का, सफेद वाइट, और उसमें सिंहासन बना है, तख्त बना है भगवान का, और उस पे परमात्मा विराजमान है। जैसे राजा बैठते हैं अपने सिंहासन के ऊपर, ऐसे मालिक विराजमान है, और परमात्मा नर आकार हैं, कबीर सदृश हैं, कबीर साहब जैसा ही उनका रूप है, उनके एक रोम में यानी एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दिए, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है, और सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं, और उसके ऊपर एक छत्र बना हुआ है, तो वो परमात्मा वहां विराजमान है इस रूप में। वहां से जब वो चलकर आते हैं अपने उस तेज को हल्का कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, क्योंकि एज इट इज रोशनी युक्त आ जावे, प्रकाश युक्त, तो हमारी चरम दृष्टि उन मालिक को देख नहीं सकेगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता, यही स्थिति अपनी हो जावे, इसलिए वो अपने शरीर के उस नूर को, तेज को हल्का कर लेते हैं, सरल करते हैं, और फिर आकर के हमें मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। ये तो वो तीन प्रकार से करते हैं, जैसे एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में
वो परमात्मा एक कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। और कमल कहाँ होता है, अंडरस्टूड है, जल में होता है, सरोवर में होता है, जिस कारण से यानी परमात्मा सतलोक से चलकर आने के आकर कमल के फूल यानी जल के ऊपर विराजमान होने से यही कबीर भगवान नारायण उपमात्मक नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। आज तक हम नारायण मानते रहे श्री विष्णु जी को जो शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ, और इसी को हम सतनारायण कहने लगे। चलो नारायण तो मान ले क्योंकि पानी के ऊपर बैठा है, लेकिन सतनारायण तो नहीं है। सतनारायण माने अविनाशी। और ये श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसके पृष्ठ नंबर 123 पर स्वयं स्वीकार करते हैं विष्णु जी, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की कि हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु होता रहता है, हम अविनाशी नहीं है। तो हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उसकी कथा सुना और सुनते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहिब, साहिब माने भगवान, नारायण माने भगवान, और सत्य माने अविनाशी। नारायण शब्द का अर्थ क्यों बोला गया भगवान के लिए, क्योंकि नार माने जल होता है और आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, तो नारायण जल पर विराजमान होने वाले एकमात्र परमात्मा कबीर जी हैं। चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक लीला ऐसी ही करते हैं, और वहां से कोई नई संतान उनको उठा ले जाती है परिवार, फिर वहां वो अपने परवरिश की लीला उनकी कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीकर भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। एक पूरा जीवन एक नागरिक, जेंटलमैन और अच्छा भक्त, अच्छा सतगुरु और अच्छे संत की वो भूमिका करके, और एक अच्छे नागरिक की कि अपना करके खावे और ले कर देवे, वो भी करते हैं। तो वो लीला भगवान स्वयं करके जाते हैं, हमारे लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं, और अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो ज्ञान सुनाते हैं, जिसका अभाव हमारे सदग्रंथों में इस काल भगवान ने कर दिया होता है। तो यहां जो प्रमाण हम बता रहे हैं आपको इन वेद मंत्रों में, जो अभी आपको बोलकर सुनाई दास ने, इनका सारांश यही है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, अपने सतलोक से जब शिशु रूप धारण करके आता है, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परमात्मा सभी भवनों, सभी लोकों के ऊपर ऊर्ध्व भाग में, ऊपर के भाग में, शिखर में, सुन शिखर में विराजमान है, वहां बैठा है। और वहां से फिर अन्य मंत्रों से जो आपको बताया, इन सभी का सारांश यह है कि वहां से गति करके आता है, और जब वो शिशु रूप धारण करता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये ज्ञान भगवान ने खुद दिया है, जो उन्होंने जैसे लिखना था लिख दिया। 16वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मा, आप अपना वास्तविक नाम बताएं, उसका ज्ञान कराएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। तो 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है और एक लीला में लीला करता हुआ बड़े होते हैं, तो फिर वो अपने मुख कमल से अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, कबीर गिर भी लिखा उसमें, गिर भी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर नाम है, वो कबीर वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से यानी चौपाइयों के माध्यम से, दोहाओं के माध्यम से और लोकोक्तियों के माध्यम से परमात्मा
यानी पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाते हैं, वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़ा होकर के आवाज लगानी शुरू कर देते हैं और वो उसके अनुयायी उसको नोट कर लेते हैं, वो कबीर वाणी कहलाती है। जिस कारण से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में ये कहा है कि जिस कारण से वो अपने मुख कमल से कविताओं से यानी दोहों के चौपाइयों के माध्यम से ज्ञान बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, यानी प्रसिद्ध कवियों में से भी उनका एक गणना होती है, लेकिन वो भगवान होते हैं, अन्य कवि ही होते हैं। इतना निर्णायक ज्ञान दिया हमारे सदग्रंथों में और उसी का समर्थन आज कौन कर रहे हैं, वो महापुरुष जिनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां हमने जाना है, जिसके लिए हमने प्रयत्न करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है, उसको प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, कोई एक परम शक्ति है, पूर्ण सुखदायी है, शांतिदायक है, जो मेरे से अन्य है, इसलिए कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, क्योंकि गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 32 और 34 में ये स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से एक तत्व ज्ञान का प्रकाश करता है, बोलता है, सुनाता है और उसके अंदर इन धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी दी गई होती है। उससे मैं परिचित नहीं हूं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ। यदि गीता ज्ञान दाता को ज्ञान होता तो एक अध्याय और बोल देता कि बिजली पड़े थी, उसको पता नहीं था, ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत है, उस परमात्मा के गुण रहस्य को जानते हैं, उनसे संपर्क साध, उनको विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति कर और किसी की नहीं, मेरी भी भक्ति त्याग दे। अब ये अपनी स्थिति बताता है गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, कि कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं, और उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकते, पुत्री नहीं बता सकती, कौन बताएगा? दादाजी बताएगा, जो पिता का पिता बताएगा। तो सबका जो पिता है, जिसको परम पिता हम कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, उन्होंने आके बताया इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, दुर्गा की उत्पत्ति। आज तक विश्व में कोई बताने वाला नहीं था, उसके बाद इस दास पर दया हुई है जो आपके सामने भगवान के गुड रहस्य को खोला है। तो ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी। यानी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जो कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो कहा है, तो वो सती थी इस
गीता ज्ञानदाता यानी सर्वपुरुष ब्रह्म की भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकती, कि जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और जो शाश्वत स्थान है जहां परम शांति है, तो उसको ही प्राप्त होगी परम शांति जो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करके उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। तो उसके लिए गीता ज्ञानदाता खुद कहता मुझे बात पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने के लिए कह दिया। तो वो तत्वदर्शी संत कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। तो ये इन ये महापुरुष थे तत्वदर्शी संत, और उनके बाद ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ना बीच में कोई रहा और ना पहले था और ना आगे होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता वेदों में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 8 में 18 में 17 और 18 19 20 का सीधा सा बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़े होते हैं तो अपने मुख कमल से वो कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर गिरभी, कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा की का ज्ञान वो स्वयं बोलते हैं, उच्चारण करके बोलते हैं, कविताओं से बोलते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और उनके ढेर सारे अनुयायी बन जाते हैं, उनके एक मुखिया रूप में उन यानी एक राजा के समान, उनका एक कमांडर के समान एज ए गुरु परमात्मा रहते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान बताते रहते हैं, बुराइयों से बचाते रहते हैं। वो सभी उस गुरु का बड़ा आदर करते हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं, और उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य के सदृश आता है, जैसे मनुष्य कपड़े दूसरे पहन लेता है, ऐसा लिखा वेद में। कभी दिखाऊंगा रात्रि के समय, क्योंकि दिन में वो दिखते नहीं। तो वो ऐसा चलता है जैसे एक सुंदर शरीर कपड़ा पहन लिया इंसान ने दूसरा, ऐसे परमात्मा अन्य चोला पहनकर अपने ओरिजिनल बॉडी के ऊपर तब यहां आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। अब जो वेद बताते हैं वही हमारे हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हट कर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा, योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हलाकर ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा, और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निरसंशय होकर लग जाओगे, फिर चाहे कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते, वो चाहे मानो चाहे ना मानो वो बात अलग रही। तो ये ज्ञान ऐसा है आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते, इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा स्वप्न में भी, और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना, तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे?
तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है, और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहां जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा, हम भक्ति मार्ग पर चले, रस्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यहीं के यहीं रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। अब जैसे धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि सतलोक से चलकर आए, तो सतलोक से चलकर आए कटन यम की जंजीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। के सतलोक से चलकर आए सहसरी राय, और किस लिए? कटन काल की जंजीर, हमारे को इस काल ने कर्मों के बंधन की मोटी मोटी जंजीर बांध रखी है, बेल बांध रखी है, जिनको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इतनी सूक्ष्म है। इन बंधनों को काटने वाला केवल कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी रत सवर ज्योति रत धामा असी सम्राट असी, सबका मालिक वही है। इसका अर्थ पता है, उसी के माने परम शांतिदायक असी माने है, जो पूर्ण शांति देने वाला। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो वो यजुर्वेद बता रहा है 5वें अध्याय का 32वां श्लोक के उसी कसी जो परम शांतिदायक है वो कबीर अंगारी असी, कबीर बंभारी असी, वो कबीर असी, वो कबीर भगवान है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो परम शांतिदायक है। और अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, बमभारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, और रत धामा यानी सतलोक में रहने वाला वो कबीर असी, वो कबीर परमात्मा। और यही ये सब महापुरुष बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, यानी काल के द्वारा कर्मों के बंधन हमारे जकड़ रखे हैं, इनको काटने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा आते हैं। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर अस्थिर ठामम। अमर करूंगा और सतलोक भेज दूंगा तुम्हारे को। सतलोक हम तभी जाएंगे जब हमारे सब कर्मों का नाश हो जाएगा, वो काट दिए जाएंगे। तो परमात्मा कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेजूंगा तात बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान वो अजर और अमर है, वो शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है। उसके बाद परमात्मा बहुत से महापुरुषों को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले। इनकी छोटी सी घटना वो सुना भी देता हूं आपको। परमात्मा की लीला में है, आप सुना रहे हैं दास साहब को, परमात्मा के विधान में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, परमात्मा की वाणी में भी लिखा है कि परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा पैठूं पाताल, और प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं गरीबदास में खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, अपनी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, मेरे लाल हैं बिखर गए दरिया में, संसार रूपी दरिया में गिर गए, इनको निकालने के लिए गोते लगा रहा हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कभी पाताल जाता हूँ, कभी पृथ्वी पर आता हूँ।
तो ऐसे खोजते खोजते परमात्मा कोई ना कोई कारण बनाते हैं, सौ छल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। जब परमात्मा आते हैं एक अच्छे भक्त और संत का रोल भी वही करते। एक समय परमात्मा कबीर भगवान जी जब प्रगट थे एक साधु रूप बना के, साधु रूप में रहते थे, भक्त आमंत्रित करते थे महाराज हमारे घर आना, महाराज हमारे घर आना, तो घर घर जा जा के परमात्मा ने कुछ आत्माओं को दृढ़ किया, उनको परिपूर्ण की, उनको भक्ति यानी पुनों से पुनर्चार्ज किया ताकि इनको सुख मिलते रहें। जब तक भक्ति युग आना था इस युग तक आपको परमात्मा कहीं ना कोई कारण बना के आप में धार्मिकता रख के बनाए रखने के लिए सौ सौ कार्य किए हैं ताकि आप में भगवान की चाह विद्यमान रहे। इस कारण से वो घरों में जाते थे, घर में जा कर के दो दो तीन तीन दिन एक घर में समझाते थे, सब बच्चों को लाइन पर लगाते थे जो अच्छी विशेष आत्माएं होती हैं उनके लिए। तो मलुकदास एक किसान थे बहुत बड़े, लेकिन वो थे वो खत्री जाति से, अरोड़ा जाति से थे और गांव के नंबरदार थे। एक समय परमात्मा उन्हीं के गांव के अंदर भक्तों के यहाँ सत्संग करने गए हुए थे। अब 10-5-7 घर थे उसमें उन भगवान के भक्त। एक दिन किसी के घर भगवान का भोजन बना, भंडारा बना, सत्संग हुआ, दूसरे दिन दूसरे के घर पे हुआ, तीसरे दिन तीसरे के घर पे हुआ। ऐसे भंडारे हो रहे थे। जब गुरुजी आते हैं तो भक्त अपनी विशेष श्रद्धा के साथ भोजन खीर हलवा तैयार करते हैं। अब उस मलुकदास चौधरी को किसी ने बता दिया कि चौधरी साहब गांव में एक ठग आया हुआ है और इन भोले ग्रामीणों को लूट रहा है, बढ़िया माल खाता है, खीर बनवाता है, हलवे खाता है और चलते समय दक्षिणा ले जाता है, इनको कंगाल कर रहा है, वो ढोंगी और पाखंडी है। मलुकदास अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भी ठीक है देखेंगे, साधु संत ऐसे नहीं होते। फिर भी वो बार बार कहने से उनके मन में कोई दोष आया, तो वो घूमने के लिए गया हुआ था सुबह सुबह। तो वो निकला जिस गली से, उसी गली में भगत का घर था। मलुकदास का आना होया हरुद्र से, हलवे में का छोंक लाना होया, पार्टी महक दूर तक। मलुकदास ने पूछा जाके कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हलवे बन रहे तुम्हारे भक्तों? उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी आए हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, आप भी आइयो चौधरी साहब। वो तब तो चला गया भाई। अगले दिन दूसरी गली से गया, उसमें फिर ऐसे हलवे की पाच डाली, वो मैं कहा उसने चौकर दे गया। आखिर में उस पर नहीं रह गया भाई, तो रोज कई दिन हो गए यहीं रुक रहा है, आज इसने समझा देता हूँ और भगा देता हूँ। लेकिन फिर भी भक्त श्रद्धा पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, साधु संतों से जल्दी सी अच्छी आत्मा अभद्र व्यवहार नहीं करते। फिर भी उसने जाके राम राम किया, परमात्मा ने कहा आओ जी राम राम भाई। कहने लगा महाराज आप कैसे, कल देखा वहाँ थे, परसों देखा वहाँ थे, आज आप यहाँ हो, कुछ करके खाया करो, अट्टे कट्टे दिखाई देते हो, मजदूरी करो, अपना धंधा करो, क्यों इनको भ्रमित करें? परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब हमें तो भगवान बगैर करे ही दे रहा है, अजगर करे न चाकरी। परमात्मा ने एक वाणी सुनाई तो मलुकदास ने सोचा सचमुच तो वह ठग आदमी लग गया। फिर भी सभ्यता से कहा कि एक बात बताओ, यदि ये भगवान आपका मुझे बगैर किए खिला दे भोजन, क्या ऐसा संभव हो सकता है? परमात्मा बोले यदि आप दृढ़ विश्वास करोगे तो भगवान सब कुछ कर सकता है। तो कहने लगा आज मुझे यदि तेरे भगवान ने भोजन करा दिया तो मैं आपका चेला, और जे आज मैं भोजन मुझे नहीं करा सका तो आपको अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। परमात्मा बोले कि मुझे मंजूर है, पर आप ना मुकर जाइयो, कदे समय पर आप डगमग हो जाओ, अगर ना मैं पक्का हूँ वचन का।
अब जैसे मुलुकदास के अपने खेत थे पूरब में गांव के, और चला गया पश्चिम में भी जंगल में गहरा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके। अब देखेंगे आज भगवान हमें कैसे भोजन करा देगा, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, किसी से मिलूंगा ही नहीं। अब परमात्मा के नहीं कर दे, ये हमारी बालक सोच है, हमें ज्ञान मिला ही नहीं। उधर कोई ये भेड़ बकरी चराने वाले आगे, उनका कोई त्यौहार था, वह कहने लगे भाई खीर बना लो आज। उनमें एक आधी गायें गुएं भी थी, तो उन्होंने दूध निकाल कर खीर बनाने खा के लिए उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा चढ़ा दिया, और वो बकरियां चराने वाले चले गए दूर के भी बन जा, जब खीर हमें आवाज लगा दिए हम आ जाएंगे भोजन खाएंगे। उधर से क्या हुआ कि डाकुओं की मंडली आ गई घोड़ों पर सवार होकर, और खीर बनाने वाले ने देख ली कि वो धूल उठ रही है दूर से, ये धूली जो उठ रही है, उसको मालूम होता था कि इस तरह डाकू लोग आते हैं और यहीं से रास्ता जाता है, यहीं से आएंगे। वो छोड़ के खीर और भाग गया अपने साथियों के पास। अब वहां आकर वो रास्ते के गुजरे तो उन्होंने देखा डाकुओं ने कि अभी यहां कोई खाने पीने की वस्तु बन रही है, रोको। वो सारे उड़के, उस्ताद ने पूछा क्या है इसमें, देखो उनके एड ने पूछा, उसने उठाकर देखा जी खीर है, कतीता जी बनन लग रही है। तो सारे उतर लिए घोड़ों पर से, भूख लग रही है, खीर खाओगे पहले। तो उनमें से एक कहन लगा भाई पहले ये देख लो कोई जालसाजी ना हो, इसमें कोई जहर मिला गया विष और सारे मर जाए, पहले किसी पशु पक्षी को खिला के देख लो थोड़ा। तो उन्होंने सोचा भी बनाने वाला डर के भाग कर कहीं छुपा होगा, गया कहा होगा, इधर उधर देखा, फिर एक ने देखा कि वो ऊंच बैठा ऊपर, उसका कहने लगे वो बैठा ऊपर। तो मुलुकदास चौधरी साहब से कहा उन डाकुओं ने कि भाई नीचे आ जा। अब उसने ना पता था डाकू है नीचे, ये उन्होंने बोला ना आऊं नीचे, नहीं आऊं मैं। उन्होंने दिखाई गोली बंदूक, आव है या मारे गोली तेरे। तब उसका समझ माइए तो कुछ ओपरे आदमी है भाई, सीधे आदमी को नहीं। फिर नीचे उतरिया टुप देसी, और उस एक ढक्कन था उसका पात्र था, उस पर खीर डाल दी अच्छी सी ठंडी सी कर दी, खाए इसको। वो बोला ना खाऊं खीर, कती नहीं खाऊं। अब खीर खाओ तो प्रण टूटे और चौधरीपना छूटे, गुरु जी का चेला बनना पड़े, उसने मुश्किल माच की। तो वो डाकुओं को पक्की जचगी कि ये पक्का बदमाश आदमी है, जब खीर नहीं खाता इसने कोई गड़बड़ कर रखी इसमें। वो दो चार लात मारी, दो चार मुक्के जबरदस्ती खिलाई, खा। अब वो डरता खावर भगवान के शुक्र मनावे कबीर परमेश्वर से, हे परमात्मा आज मेरी जीवन रक्षा कर दो, सदा आपके चरणों में रहूंगा। परमात्मा ने मरोड़ का डनी आवे है हमारी। अपला तुन पाक रहा था बिरन माटी करवाओ, कहते सोचल छी दर मैं करूं अपने जन के काज। वो प्यारी आत्मा थी उनकी, कैसे जान दे नरक में उनको, ये चौधरी बना दो, चौधरी बना दो दिन का है, मृत्यु के बाद गदा बनाओ चौधरी साहब, खा के ये जीवन। हमें पता नहीं, भगवान को मालूम है हमारे भविष्य का, इसलिए वो हमारे लिए भरम रहे हैं, भटक रहे हैं, रे रे हो रहे हैं। हम बालक हैं, माया की भांग पी के लेट गए थे, कुछ भी हो देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे। अब उन्होंने खूब खिलाया डट के उस तई, और बैठ आध घंटे यहीं पर, मरेगा कि जीवेगा जब देखेंगे। जब उसका कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको कहा भाग तू यहां से, और फिर उन नवा खीर ख्यार खाई। अब चौधरी साहब क्योंकि जान बची लाखों पाए, लौट कर वो दो घर को आए, सीधा वहीं पहुंचे भगवान के चरणों में, रोवर नाक रगड़े। परमात्मा बोले चौधरी साहब कि मैं करी भगवान ने सेवा तेरी, सुना। कहने लगा भगवान हे गुरुजी, आपके परमात्मा तो मर मर खीर खिलावे हैं, और आज से मेरा सारा भ्रम मिट गया मालिक। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया, तो कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी दिन से समर्पित हो गया और सारा ज्ञान समझा। उसके बाद फिर उस महापुरुष ने क्या कहा,
जयपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जैसे परमात्मा सुनाया करते महिमा, जैसे अन्य जो राम कृष्ण के पुजारी अधिक होते थे और लीला सुनाते थे, कभी कृष्ण जी बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी भी आसपास आ जाते थे, गोपियां भी घर से भाग कर आ जाती थी। परमात्मा बोले भाई थारी कालंदरी माने जमुना के तीर, एक बंसुरी मैं भी बजा के दिखाता हूं। काफी भक्त आसपास के व्यक्ति जमुना के ऊपर आ गए और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसुरी आई और मालिक ने जो बंसुरी बजाई, कहते पशु पक्षी वो तो गांव के लोग तो आए आए, दरिया का वो जल भी वहां बर्फ की तरह डट गया, नो का नो कति हलचल बंद होगी, आसमान के देवता भी चारों तरफ आकर सुनने लगे। ये लोगों के लिए तो स्वप्न सा था और वो सामने दिखे परमात्मा ने जो वो बांसुरी बजाई। पुण्यात्माओं, भगवान की परमात्मा में सर्वशक्ति होती है, हम आंशिक शक्ति युक्त प्राणी को समर्थ मान बैठे थे, ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी थी, अब वो खत्म हो जाएगी इस तत्व ज्ञान से। तो यहाँ मुलुकदास जी बता रहे हैं, जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जयपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। भाई काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्न जलावे ढूंढा ना पाया शरीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जयपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या बता रहे हैं कि काशी शहर को छोड़कर परमेश्वर मगहर में जाके, मगहर स्थान से, मगहर एक स्थान है गोरखपुर जिला से, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर स्थान है। अब उसमें संत कबीर नगर नाम का एक जिला बन गया अलग से, मालिक के नाम से ही, उसमें वो मगहर स्थान है। वहाँ का राजा जो नवाब था बिजली खान थे, बिजली खान पठान मुसलमान थे और काशी नगर के राजा थे वीर देव सिंह बघेल थे, और ये दोनों ही परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे। ये शिष्य कैसे हुए थे थोड़ी सी इनकी घटना सुनाते हैं। एक समय मगहर स्टेट में, मगहर क्षेत्र में
बिजली खां पठान के राज्य में इतना सूखा गिर गया, तराई तराई मच गई, पशु पक्षी मरने लग गए। जितने भी हिंदू धर्म के, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मगर नगर के अंदर 50-50 हैं, पहले भी थे आज भी हैं। हिंदुओं ने अपने जंतर मंत्र सभी यज्ञ हवन कर लिए, साधु संत फकीरों से जंतर मंत्र करवा लिए, कोई बात बनी नहीं। मुसलमानों ने भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली, थक गए। अब तो मृत्यु शेष नजर आवत थी, उसी समय किसी ने बता दिया कि काशी शहर के अंदर एक महान पुरुष रहते हैं, कबीर नाम है उनका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो वर्षा हो सकती है, तुम्हारा जीवन रक्षा हो सकती है। वीरदेव सिंह बघेल ने दो नौकर भेज दिए, सैनिक भेज दिए, सिपाही, और किसने, बिजली खां पठान ने दो सैनिक भेज दिए काशी में, और वीर सिंह बघेल वहां का नरेश था, उसके नाम चिट्ठी लिख दी कि आपके शहर में कबीर नाम के कोई महापुरुष है और मैं सैनिक भेज रहा हूं, कृपा इनके साथ घोड़ों पर बैठा के उस संत को हमारे यहां भेजना। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। तो जो ही वीरदेव सिंह बघेल ने वह चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि वह शिष्य हो चुका था परमेश्वर कबीर जी के और वो भगवान के विधान से बहुत सा परिचित हो चुका था, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी और सैनिकों से कहा कि चिट्ठी जाकर बिजली खां पठान को दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा था कि बिजली खां, आप पूरा क्षेत्र आपका जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है और संत को आप ऐसे बुला रहे हो जैसे एक नौकर को बुलाया जाता है, अरे भले पुरुष कुछ विधान समझो, खुद आकर नाक रगड़ो, सहर्ष स्वीकार करो, आत्मा से पुकार करो, वो प्रसन्न होकर चलेंगे तो कुछ रजा बख्शेंगे। यदि मैं बाई ऑर्डर भेज भी दूंगा और उन्होंने रजा नहीं बख्शी, भले पुरुष कैसे कल्याण होगा तेरा, तो वो समझ गया तुरंत। उसी समय सेना लेकर 10-20 अपने अंगरक्षक और घोड़े पर सवार होकर तुरंत वहां से चल पड़ा, वीर सिंह बघेल से मिला, वीर सिंह बघेल के साथ फिर वहां गए, परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया दोनों ने। तब परमेश्वर को उस वीरदेव सिंह बघेल ने परिचय कराया कि महाराज जी, ये बिजली खां पठान नगर स्टेट के यानी रियासत के ये नवाब हैं, इनके ऊपर ऐसी आपत्ति आई है, भाई बता तू अपने मुख से कह। तब उन्हें सारा दुख रोया कि महाराज कत्यंतिम घड़ी में है सब सारी की सारी जनता और कुछ समय के मेहमान हैं, दया करो, वर्षा नहीं हो रही है, आप रजा बख्शो दाता। परमात्मा बोले भी साधु संत और बहुत है, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ और ठीक है भगवान की भक्ति जरूर करता हूँ, पर मैं और किसी साधु संतों से भी ट्राई करो। कहने लगे जी हमने सब जगह थक लिए, कोई समय नहीं, स्थान नहीं छोड़ा, कोई संत भगत हमने नहीं छोड़ा, वह हिंदू भी हैं, हिंदुओं ने भी अपनी कोशिश कर ली पर कोई बात नहीं बन पा रही। परमात्मा बोले चलो, अब मालिक बैठकर उनके साथ। अब उधर से क्या हुआ कि ये जो संत है इनमें ईर्ष्या नहीं जाती, गोरखनाथ ये क्या होते हैं, जितने भी संत पहले अच्छे जो सुप्रसिद्ध थे, ये क्या था, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और फिर ये मृत्यु के उपरांत ये पितृलोक में चले जाते हैं, ऐसे पितर रहते हैं, तो पिछले संस्कार इनके फिर भी कुछ विद्यमान रहते हैं, और जैसा इंसान इस शरीर में भाव स्वभाव होता है वैसा ही सूक्ष्म शरीर में स्वभाव तो मन के अंदर है, आत्मा में है। तो इसको पता चला कैसे कोई कबीर नाम का कोई संत आने वाला है, किसको, गोरखनाथ को, और वो अगर उस क्षेत्र में वर्षा करा देगा, क्योंकि गोरखनाथ का गोरखपुर जो स्थान है वहाँ उसका बहुत ज़्यादा प्रभुता रही है, गोरख टीला भी बना हुआ है, तो इसको वहाँ उस पितृलोक में भी चिंता बनेगी इज्जत और बेइज्जती की, और वहाँ से एक साथ दुरूप बना के, और मगर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, खेतों में छोटी सी जोड़ी होती है इस क्षेत्र में खासकर, छोटी सी तलैया बोलते हैं, छोटी जोड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, यानी बहुत छोटा तालाब, वो सूखा पड़ा था, उसके किनारे बैठ गया, चमटा गाड़ के वो त्रिशूल गाड़ के आसन पदम लगा के,
जब परमात्मा ने देखा कि ये, वो तो जानी जान के पता था ये कौन है, आम जनता तो नहीं जानती थी, परमात्मा ने कहा कि वीर बिजली खां, घोड़ा रोको रोको रोको, सारे रुके। अरे महापुरुष आए तुम्हारे, आप ही इनसे अर्जी नहीं लगाई तुमने, ये तो पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे पहुंचे हुए सद पुरुष है, तो बिजली खां पठान, क्योंकि हमारी एक वैसे भी एक वृत्ति बनी हुई है, हमारा स्वभाव बना हुआ है, हम साधु उसको मानते हैं जिसने बड़ी सी जटा रखा रखी हो, बड़े बड़े बाल हो, एक लंगोट बांध रखा हो शरीर पे, राख रूख रमा रखी हो, दूने दाने पर गात फूक रखा हो, हम सोचते साधु वही है। तो परमात्मा ने सोचा था इनका फेर फड़कना रह जाए, देख लिया था साधु सब ने, उन वीर सिंह बघेल ने भी देख लिया था कि बैठा है, तो परमात्मा को पता था इनके मन में दोष रहेगी कि इससे ना होगा तो इससे करवा लेंगे, तब तक वो करें नहीं जब मन में दो भाव रहेंगे तुम्हारे। तो परमात्मा ने सोचा पहले यह फड़क निकलवा दें इसकी, तो उन्होंने कहा कि बिजली खां पठान ने, अर्ज करो इनसे, ये तो कुछ भी कर सकते, ऐसे सिद्ध पुरुष देख रहे हो इनके चेहरे से लगता है बड़े पहुंचे हुए महापुरुष है। अब सुना के कह रहे थे गोरखनाथ को, गोरखनाथ फूल गया, डोडा हो गया, अक्यू तक के मना संत संत पाए तो मन ने सरा मेरे को सर प्रशंसा कर रहे थे। तो वीर सिंह बिजली खां पठान ने जाके प्रणाम किया, कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया हमारा, त्राही त्राही मच गई है, काफ़ी समय से वर्षा नहीं हो रही है, दया करो वर्षा करा दो, कोई जल व्यवस्था करो। गोरखनाथ जी उठे, वो त्रिशूल गाड़ रखा था जमीन पर, वो निकाला, उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मारा ऐसे जमीन में और फिर निकाल दिया, उसमें से एक जल स्रोत निकला और वो तलैया भरगी। तो परमात्मा बोले कबीर जी देखो भाई रे तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम्हारे गांव के गोरे बैठे महापुरुष ने कर दिया ना पानी। अब वीर सिंह वो बिजली खां पठान कहने लगा महाराज उस सिद्ध पुरुष से कि महाराज इससे तो एक दिन के भी पशु ना तृप्त हो सकते, वर्षा कराओ दाता। तो गोरखनाथ क्या कहता है कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है, तुम्हारे पुण्य शेष नहीं है, अभी तो दो वर्ष वर्षा और नहीं हो सकती, आपके वहाँ कोई पुण्य नहीं है सक्षेत्र के लोगों के, और मैंने ये अपने कोटे से दे दिया, और कोई ज़्यादा हमारे पास कोई समर्थ है तो उससे बात कर लो जाके, यानी अपने तो बढ़ाओ किससे नहीं माना था ताकतवर। अब होता हो गया फ्यूज, अब वो उनको पता लग ही गया था कि इससे काम कैच क्या चलेगा, एक सारे पशु एक बार पी जाएंगे इसका। तो तब उनकी फड़क निकली और कहा भगवान आप दया करो, कौन वो बिजली कहाँ पठान और साथ में नगर के लोग भी आगे, काफी पता लग गया महाराज आन लग रहे हैं, सारे निकल के आगे क्यों मरे, सब कुछ भूखे प्यासे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं तो एक भगत आदमी हूं, अर्जी लाऊंगा भगवान तो जब सुन ली तो मेरी। जहां वो बैठा था गोरखनाथ उससे 100 फुट दूरी पर परमात्मा बैठ गए ध्यान मगन होकर, एक सिर्फ लीला कर रहे थे, और कहा भी तुम अपने घर न जाओ सारे, मैं अर्जी लाऊंगा जय मेरी सुन ली तय। ये कैसे जाओ सबके पैरों तले की धरती खिसकगी कि भाई क्यों वर्षा वर्षा हो तो चलना, अरयू महाराज आड़े बैठ गया आगे भी ना चाहता। परमात्मा बोले तुम जाओ भाई ना, रास्ते में भीग जाओगे, बच्चे भी तुम्हारे साथ, उनका ना समझ में आई, कुछ चल पड़े, कुछ आसपास खड़े थे, इतने में क्या देखा नो बादल आए गरज के, काली घटा छाएगी और मूसलधार वर्षा होने लगेगी, ठोक दिए सारा कुछ अक्षेत्र। बोलो सतगुरु देव, जल जल कर दिया घंटे के अंदर, कति फुल न फुल, सारा गांव उमड़ के चरणों में गिर गया, गोरखनाथ ठाकर चमटा जाता रहा, अगिया की मैं तो कह रहा था दो वर्ष तो वर्षा नहीं हो गई, रियो डूडा ठा गया इस नाथ जय समर्थ सतगुर जो चावे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, ये समर्थ कबीर भगवान है। इस प्रकार
तो परमात्मा ने फिर उनको उपदेश दिया ज्ञान का, भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का, कि भाई तुम्हारे जितने संस्कार पुण्य थे वो समाप्त हो चुके, अब तुम्हारा पूरे क्षेत्र का विनाश होना था, भूखे मर कर मरना था, टक्कर मार मार कर। तुम्हारे पर रहम हुई, किसी महापुरुष ने, किसी पुण्य आत्मा ने तुम्हें मुझ दास का पता बता दिया और मेरी अर्ज भगवान ने सुन ली। तो बिजली खां पठान और गांव के नगर के सभी लोग कहने लगे, मालिक नू ना कहो, अब नहीं मान सकते कि आपसे अतिरिक्त कोई परमात्मा है। पुण्य आत्मा जिसकी जो जान बचा उसका तो भगवान, और वैसे भी रियल में भगवान थे ही थे, फिर भी वो समर्थ थे, समर्थ अपनी बड़ाई कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके गुण प्रगट हुए बिना रहा नहीं करते। तो सभी ने जब ज्ञान सुना कि भाई तुम एक पिता के बच्चे हो, ये हिंदू और मुसलमान तुम आप पर बन गए, तुम भगवान के लिए ही बटे हो, भक्ति करो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान का खुदा दो नहीं है, भगवान दो नहीं है, एक ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक ही प्रकार की बहनें हैं, सब एक प्रकार की माताएं हैं, तुम आपस में अलग अलग बनकर बैठ के दुश्मन बन बैठे। तो उन्होंने कहा कि कभी आप धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करेंगे, कभी भी आप जीव हिंसा नहीं करोगे। सब ने कहा जी नहीं करेंगे, क्यों, पाप करते हो तो अब तुम सारे मरोगे। तो सब ने उस समय सारी स्वीकृति दी। फिर गांव में नगर में लेकर गए मालिक को। वहाँ एक व्यक्ति था, 65 साल की उम्र वाली थी, उसकी पत्नी के जो है उसकी पत्नी की माहवारी भी बंद हो चुकी थी, और एक का मात्र रट लगा रहा था भगवान संतान दे, उसकी पत्नी भी रोआ बुरी तरह, भगवान औलाद नहीं, औलाद नहीं। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, भाई ये तो चल खिलौना दे दूंगा पर भक्ति भी कर लो। उसके 10वें महीने उस माई का लड़का हो गया। ये दास वहाँ गए थे पर्सनली बहुत से भक्तों को लेकर के मगहर के अंदर। तो मगहर के अंदर जब परमात्मा वहाँ गए हुए थे, तो हमने जो पता किया, उन्होंने बताया ऐसा ही जो हम सुना करते थे, कि यहाँ एक पूरा मोहल्ला है, मोहल्ला यानी एक पूरी कॉलोनी है, जो परमात्मा के नाम से उस मोहल्ले का नाम है, उस मोहल्ले का नाम है कबीर कर्म मोहल्ला। कबीर कर्म मोहल्ला यानी कॉलोनी, कबीर परमात्मा का, कर्म माने रहम, फारसी में कर्म माने रहम, यानी परमात्मा की के रहम से बसा हुआ मोहल्ला, कबीर कर्म मोहल्ला आज भी विद्यमान है। तो ये सुख और न्यारा दिया, और भी बहुत से परमात्मा ने ये सुख दिए। तो बिजली खां पठान और वहाँ के जितने थे सभी परमात्मा के शिष्य बने, हिंदू और मुसलमान। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी सभी हिंदू और मुसलमानों को एक सामूहिक शिक्षा दिया करते थे कि भाई न तो आपके काजी आपके ग्रंथ और भगवान से परिचित हैं, और न ही ये हिंदू धर्म के पंडित और ये मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, ये ना भगवान के बारे में जानते, ना अपने अध्यात्म सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल आपको दंत कथा सुना के, लोक वेद सुना के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन कोई वैसे नहीं मिलता, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध किया करते थे। कौन, काजी और मुल्ला, पंडित और मंडलेश्वर, और कहा करते थे ये धानक है, जुलाह है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, शिक्षा इसके पास नहीं, कोरी बकवास घटता है, ये झूठ बोलता है। तो उस समय हमने यह मान ली सच्ची कि कबीर जी अशिक्षित हैं, हमारे धर्मगुरु पंडित और मुल्ला और काजी ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने भगवान को ठीक ही जाना होगा, हम परमात्मा की उन बातों पर को भूल गए जो भगवान कहा करते कि ये कुछ नहीं जानते, तुम्हें भ्रमित किए हुए हैं, तुम्हारा जीवन नाश करते, वो हमारे गले उस समय ना उतरी। और आज क्योंकि परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, उन्हीं सदग्रंथों से वो सच्चाई सामने आई,
अब आपने सब न मान ली, आप वही आत्मा हो जो भगवान के साथ 600 वर्ष पहले भी रहे थे, 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान आए थे, 120 वर्ष यहाँ प्रचार किया करते थे, ज्ञान गुणता मान्य नहीं करते, क्योंकि ज्ञान तो हमारी बुद्धि में आवे नहीं था, क्योंकि हम इस बात से स्लिप कर जाती थी बुद्धि के कबीर जी अशिक्षित है और पंडित लोग शिक्षित हैं, काजी मुल्ला शिक्षित हैं, तो ज्ञान तो हमने गणासा सुना नहीं, लेकिन परमात्मा तो समर्थ थे, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे, तो वो ये चाहते थे कि एक बार ये कुछ दिन मेरे साथ लग जा और इनको भक्ति से कुछ चार्ज कर दूं, इनका घड़ा भर दूं, और फिर जब तक पीढ़ी पिछली पीढ़ी का ही उस समय आओगा 1997 के बाद तक, कि तब तक इनके पुण्य यू घड़ा भरया रहे और ये घड़े दुखी ना हो, भगवान की आस्था इनमें बनी रहे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे, मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे तो भगवान की चाह भी बनी रहेगी, वो चार्ज करना चाहते थे। इसलिए जितने भी 64 लाख से होना कोई बालकों का खेल नहीं, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर के, और कोई जंतर मंतर जानता नहीं, कोई फू फा करता नहीं, आशीर्वाद दे दिया सारे सुख, ऐसे कोड ऐसे कैर टूट रहे थे जिन परिवारों पर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से सुख हो गया, ठीक हो गए, तो फिर सत्संग में भी आने लगे। सत्संग में आने से क्या होता है कि परमात्मा के वचनों से भी हमारी बैटरी चार्ज होती है, इस तत्व ज्ञान के सुनने मात्र से भी, परम संत के वचन सुनने से भी, के मुख से सुनने से भी हमारे ऊपर बहुत पुण्य संग्रहित होते हैं और पाप का मैल उतरता है। तो फिर आने लगे और सौ सौ जगह जाके गुण गाने लगे कि भगवान आए हैं, परमात्मा यानी परम शक्ति युक्त हैं, सब लौकिक कर्ण और सब जो भी आज्ञा मालिक के पास सबको सुखी कर दिया। फिर तो हक्के बक्के रह जाते कि हम सब जगह धक्के खा लिए, मंडले सुरों के पास जा लिए, मुल्ला और काजियों के पास भटक लिए, हमें कोई राहत मिली नहीं, और इनसे आशीर्वाद मात्र से, और फिर नाम देते थे, प्रथम ये 5 नाम देते थे दाता, इनकी भक्ति करो, तो वो चार्ज कर गए हमारे को, 64 लाख से सो गए थे उसमें दाता के। अब क्या होता है, जैसे इसमें एक प्रश्न आया है कि काशी तज मगहर गए वो दोनों दीन के पीर, और कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे पर खोज जाना पाया शरीर। काशी के जो पंडित थे उन्होंने एक ऐसी धारणा फैला रखी थी कि भाई जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, मगर में कोई मत मरियो। परमात्मा कहा करते बच्चों, ये भ्रमित लोग हैं, भ्रमित ज्ञान ही बता सकते हैं, शुभ कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, कहीं पर भी मरो निसंशय होकर मरो, चिंता मत करो, लेकिन वह गले उतरा नहीं थी, तो उस उनकी जो ये इस तरह की धारणा उन्होंने पैदा की थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, विशेषकर ये बनिए लोग खासकर, ये ज़्यादा परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, होते थे, अब तो बिगड़ गई सारी ये कहानी, सभी कौम बिगड़ गई, भक्ति की तरफ अब ध्यान रहा नहीं। तो उस समय इन्होंने क्या सोचा कि भी पिताजी को मरना तो है ही, माताजी को, हम क्यों ना काशी में कुछ दिन इनका कमरा वगैरह धर्मशाला में बुक करा दें, 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जितना भी इनका समय है वहाँ पास कर लें, और इनकी मृत्यु काशी में हो जाएगी तो स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कह रखा है, और गुरुओं के ऊपर शिष्य विश्वास किया ही करते हैं, तो बट नेचुरल है। तो इस उद्देश्य से हिंदू लोगों ने अपने माता पिताओं के लिए काशी की धर्मशालाओं में कमरे बुक करा दिए, और वहां के मैनेजर को महीने का खर्चा दे दिया, उनका खान पीन की व्यवस्था वहां करवा दिया। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि क्यों ना हम इनको अपने पास ही रख लें, वो जो धर्मशालाओं में किराया देते हैं वो हमें मिल जाएगा,
दो रोटी हम अपने घर बनाएंगे उसमें से ये भी खा लेंगे। तो एक एक पंडित जी ने और छत बुढ़े बुढ़िया राख ली लालच में। अब उन्हें फिर समस्या आई क्योंकि वर्ग तो एक का दो एक का संभालना मुश्किल हो जाए। हर वहां छह सात कोई कहीं थूक रहा है, कोई कहीं पेशाब कर रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था खूब थी। तो उन पंडित जिया के शर्म दर्द हो गया, किया तो बात बिगड़ गई भाई। पैसे के लालच में वो बला मोल ले ली उनने। फिर उन्हें क्या तरीका अपनाया कि स्किन की क्यों कटे कट कट रहे, कैसे पीछा छूटे। तो एक अफवाह और फैला दी कि गंगा इस गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया। आरा मशीन लकड़ी काटने का आरा देखा होगा अपने, बुंडे बुंडे दो तिर पाँच छः फुट का, सात आठ फुट का लंबा होता है। उसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक स्थान बनाया, उसमें ऐसे बना के और उसके एक आरत सी बना दी और उस आरत में आरा ऊपर चला जा, दूर हैंडल लगा दिए उसके 50 फुट दूर झाड़ बो जड़िया में, और वहाँ से उनका रस्सा बांध लिया, हैंडल रस्से को वहाँ बांध दिया, रस्सा ढीला कर दें और नीचे के रस्से को एक बार दो बार ऐसे कर दें, वो गर्दन कट गया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अफवाह फैला दी कि परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है, क्रोत आरा बोलते हैं इसको, और जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो उसके लिए स्पेशल फीस रख दी 100 रुपये। जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भगवान की तरफ से क्रोत आता है, जो उस क्रोत से अपनी बलि दे देगा, गर्दन कटा लेगा तो मिनट में स्वर्ग जाएगा। अवर दुस्थम आदमी ने सोचा है भगवान को कर पीछा छूटे, कैसे मरूं, मर जाऊं ठीक ठाक मर जाऊं। अब वृद्ध हो ही रहे थे, अब उनके बुढ़ होने जब यह ज्ञान सुना तो उन बच्चों को कहा, बेटा हमने तो मरना ही है, हम दुखी भी बहुत हो लिए हैं, वृद्ध भी बहुत हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कैसा भगवान की तरफ से कोई ऊपर से क्रोत आता है स्वर्ग से, और जो उससे अपना कुर्बानी दे देता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। 100 रुपये फीस है बेटा, दे दो। बच्चों ने सोचा भी माता पिता के लिए क्या बड़ी बात है, 100 रुपये दे दिए। इवन मारे धर्म गुरुओं ने एक मानस काटन का बूचड़खाना और खोल दिया, उन्हें क्रोत ला दिया, एक हत्था खोल दिया, कसाई बना का करण लगे। अब कई बार क्या होता था, वो रस्सा उलझ जाता, वो क्या करते थे, वो धर्मगुरु एक वहां खड़ा हो जाता, वो आवाज लगाता है भगवान क्रोत भेजियो, वो भगवान बैठे दोनों तरफ हुए और रस्सा ढीला कर देते, वो क्रोत कच्च दे आगे काट के एक सेकंड में उल्टा कर देते। वो कभी उलझ जाता और ना उसकी गर्दन कटती, बूढ़े ने उठा लेते, भाई अभी आदेश नहीं हुआ भगवान का, कल देखेंगे। तो वो रोया करता है, भगवान मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली कि मेरे लिए भगवान की तरफ से क्रोध नहीं आया। अब श्रद्धालु तो सदा से ही शीश देते आए, लेकिन ये संत नकली और डुप्लीकेट हमारा दुरुपयोग करते रहे इस भावना का। तो परमात्मा क्या कहा करते हैं कि ये मूर्ख बना रहे भाई आपको, ये झूठ बोलते हैं, और मैं मरूंगा मगर मैं, और पंडित जी तुम भी आ जाइयो, और काजी तुम भी आ जाना भाई, अपने अपने जंतर मंत्र पोथी पत्रे ले आइयो, वहां किस टाइम मरूंगा किस टाइम मर जाऊंगा, और तुम सारे जंतर मंत्र कर दियो, कहाँ जाता है ये बता दियो, मगर मरने वाला अगर तुम ज्यादा ही विद्वान हो। तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया कि उस दिन मैं मगर मैं शरीर छोड़ूंगा, और आजियो पंडित जी तुम भी। उधर से बिजली ये वीरदेव सिंह बघेल को पता चला, क्योंकि वो विशेष थे उनके परमात्मा के, कि हमारे गुरुदेव जो हैं मगर के अंदर अपना प्रस्थान करेंगे, प्रयाण करेंगे। तो बिजली खां पठान और उनके मंत्रियों ने सलाह मशवरा किया कि ये हमारे गुरु हैं, हम हिंदू हैं, और ये मगर के अंदर यदि शरीर छोड़ेंगे तो मुसलमान हमें शरीर नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ का राजा नवाब बिजली खां पठान है, वो भी इनका शिष्य है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये थी, ये मुसलमान तरीके से
परमात्मा का अंतिम संस्कार करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी हमारे गुरु की, हम करेंगे हिंदू रीति से, और यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो हम झगड़ा युद्ध करके जबरदस्ती सौ उठा के लाएंगे। ये फैसला करके सेना साथ लेकर बिजली और वीरदेव सिंह बघेल भी चल पड़ा। काशी के सब पंडित और भी दर्शक पैदल चले। परमात्मा 120 वर्ष शरीर हो चुका था मालिक का, 120 वर्ष लीला में शरीर, 120 वर्ष की आयु में, और काशी से लेकर मगर तक पैदल पहुंचे, 3 रोज में पहुंचे। तो वहां जाकर क्या देखा कि कोई जल नहीं था, उसमें यह बता रखा था कि शंकर भगवान ने उस मगर की भूमि को श्राप दे रखा है कि इसमें नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। आसपास नीचे का पानी उसमें खारा था, दूर से लोग पीने के लिए लाते थे उस मगर की सीमा से बाहर, और एक नदी एक दरिया बहा करती थी उसके साथ से, उसका नाम आमी नदी है। वो कति सूख गई थी भगवान शंकर के श्राप से, वो सूख गई थी। इस बात का पूरे क्षेत्र को पता था कि कबीर साहब जैसे शिवजी आते हैं, इसको साथ ध्रुव बनाकर आते हैं, और किसी कारण से उनके साथ मुसलमानों ने बदतमीजी कर दी होगी, उन्हें श्राप दे दिया कि जो मगर मरेगा गधा बनेगा, शंकर भगवान का श्राप था वो, और काशी हमारी पवित्र नगरी है वहां मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, शंकर भगवान का श्राप था, और आमी नदी को भी सुखा दिया कि तुम पानी से भी तरसोगे। इस बात का सबको मालूम था। तो परमात्मा वहां गए, कहने लगे भाई मैं स्नान करूंगा, वीर बिजली खां पठान वहां पहुंच गया, सारी व्यवस्था करी गुरुजी के नहाने धोने के लिए, पानी लाए पीने के लिए। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बिजली खां मैं स्नान करके फिर शरीर छोड़ूंगा, भाई पहले नहाऊंगा। बिजली खां कहने लगे जी पानी पर्याप्त जल है, बाहर से मंगा रखा मालिक, यहां तो उपलब्ध था नहीं, और सभी के लिए स्नान के लिए तो उपलब्ध हो नहीं सकता, आपके लिए हमने ला रखा है। परमात्मा बोले भी क्यों, क्या बात है, यहाँ जल क्यों नहीं है, कोई दरिया नहीं आसपास? कहने लगे जी दरिया है साथ से ही, लेकिन भगवान शंकर के श्राप से सूख गई है, बहुत दुखी हो गया। परमात्मा बोले पहले उस दरिया पर चलते हैं, देखते हैं उसमें जल है कि नहीं। सबने कहा जी जल है ही नहीं, कोई बात नहीं आओ मेरे साथ। अब परमात्मा जाकर खड़े हो गए उस दरिया के किनारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक गांव वाले और सैनिक। तो परमात्मा ने ऐसे संकेत किया हाथ से, ऐसे किया था थोड़ी सी दूरी पर जैसे बम ब्लास्ट होता है, ऐसी आवाज आई और एकदम पानी का फवारा फूटा, और वह दरिया देखते देखते किनारों को चाटती हुई बहकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो सभी ने स्नान किया और मलमल कह नाए, सॉरी सब पिया खूब बढ़िया स्वच्छ जल। परमात्मा बोले भाई कि कहीं और से आया है ये जल और खूब इसमें चला करेगा, अब तुम जब तक तुम्हारी नींद ठीक रहेगी, जब तुम्हारे अंदर कोई बकवाद भावेगी फिर यह नदी फिर सूख जाएगी। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, वो क्या कहा क्या बताया करते, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे तीन ताप भी नाश नहीं होते? तीन ताप के अंदर सूखा गिरना, अतिवृष्टि यानी घनी वर्षा फलडाना, और जैसे कोई किसी ने जंतर मंत्र कर दिया, किसी ने श्राप दे दिया, कहते तुम्हारे ये बिना पूरे खत्म होते तुमसे, तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो? समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण में आओ और कभी कोई तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे, कोई हानि नहीं होगी,
तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तीनों तापम। भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था तीन ताप के कारण, और वहां वो त्राही त्राही हो रही थी, परमात्मा ने तीन ताप का नाश कर दिया और उनको सुखी कर दिया। अब क्या होता है कि परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अब मैं शरीर छोड़ूंगा, एक चादर नीचे बिछाओ, एक ओढ़ूंगा। तो तुरंत हाजिर कर दी, वो नीचे एक चादर बिछा दी और चादर के ऊपर एक एक इंच सुंदर फूल तोड़कर पत्ते बिछा दिए कि गुरुजी लेटेंगे। श्रद्धा से भक्तों ने एक एक इंच। तो परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह रखा जी, उधर से क्या था कि बिजली खां पठान जो मगर के राजा थे, नरेश थे यानी नवाब थे, उन्होंने भी ये धारणा बना ली थी कि हम अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कब्र में दबाएंगे, अपनी रीति से करेंगे। और यदि हिंदू नहीं मानेंगे तो हम युद्ध भी करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी, कति तैयार, अस्त्र शस्त्र सजा के, और भगत दर्शकार्य बहुत गिने। तो परमात्मा ने कहा, वो तो जानी जान थे, उन्होंने कहा रे भले आदमी वीर सिंह और बिजली खान आमने सामने खड़े, एक ही दर एक ही दर परमात्मा के पास में, भैया सेना किस लिए लाए हो, क्या खतरा था तुम्हारे को यहां पर। अब वो दोनों राजाओं ने सिर नीचा कर लिया, अब क्या कहें गुरुजी के सामने, हम तो कुछ और सोचे खड़े थे। तब अन्य लोगों ने जो मुसलमान और हिंदू थे वो अपने आप बोलने लगे, कहने लगे जी हम सेना इसलिए लाए हैं कि हम आपके शरीर आपके शव को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे और काशी नगर में ले जाएंगे। मुसलमान कहने लगे हम इनको बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे और हम मुसलमान रीति से अपने गुरुजी के शव का अंतिम संस्कार। तब परमात्मा ने एक घंटा प्रवचन किए, कहने लगे भले आदमियों 100 वर्ष 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो समझते हो, तारी अकल गाम चली गई। अः भले पुरुषो, और खबरदार जो तुमने मेरे शरीर को ऐसे ऐसे किया, तुम एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, मेरा इस शरीर जो कुछ भी इस पर चदरों के बीच में मिला है उसको बेटा आधा आधा ले लेना, तुम झगड़ा ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएंगे। मालूम को मालूम था कि ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा हिंदू और मुसलमानों का, महाभारत से बड़ा कहर होना था। और उस समय के जो जंतर मंत्र पत्रापोथी करने वाले ये बताया करते थे कि इस सन में इस विक्रमी संवत में एक कहर टूटेगा और बहुत घनी जनहानि होगी, वो ये नहीं बता पा रहे थे होगी किस कारण से। तो वो भी एक निर्धारित काल का जाल और अटैक था, परमात्मा ने वो भी खत्म किया। एक श्री कृष्ण एक महाभारत निटाल से क्या, जिसको हम भगवान रूप में पूजा करते थे, महाभारत से भी भयंकर युद्ध होना था हिंदू और मुसलमानों का, पूरे भारत में आग लग जानी थी। परमात्मा ने लीला करी कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तीन तलाक। वो डर गए, सावधान हो गए, लेकिन मन में सोचवाई थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दें फिर हम देख लेंगे। अब परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई रखी थी, उस पर लेट गए, ऊपर पर्दा डाल लिया। 5 मिनट के बाद क्या आकाश में से आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, इसमें मिले नहीं मुर्दा। आकाशवाणी देखी कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, सह शरीर उनके शरीर में बहुत तेज था, नूर था, सब देख रहे ऊपर को कि भगवान तो वो जा रहे हैं आकाश में। ओए होए, पर्दा उठाकर देखा तो जितने सौ आकार था उतने सुगंधित फूल थे नीचे, शरीर नहीं था दाता का। बोलो सतगुरुदेव।
एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने ले ली, आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले ली, और हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे सीने से लगकर रो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि हम कितने जालिम व्यक्ति हैं, हमने गुरुदेव को अंतिम सांस में भी सुख नहीं दिया और आज भी हम लड़ने मरने को तैयार रहे। अब वो क्या, उनकी आत्मा कैसे शांति पाएगी, और हम पापी हैं, अपराधी हैं, कहाँ तो एक दूसरे को कत्लेआम करना था और कहाँ ऐसे अब मिल मिल कर रो रहे हैं दोनों भक्त, हिंदू और मुसलमान जैसे सगे भाई मात पिता के मरने के बाद विलाप करते हैं गले से लग लग करके। इसको कहते हैं कबीर समर्थ। सतगुर दो चावै सो कर ही, चौदह कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो यहाँ जो आपने शब्द सुना था, इस एक पंक्ति को, संतों की एक पंक्ति को समझाने के लिए इतने उदाहरण और ये कथा सुनानी पड़ी। एक समय काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न नजर आवे, ढूंढा ना पाया शरीर, जयपुरे मन वो समर्थ नाम कबीर। ऐसे धर्मदास जी कह रहे हैं, इन आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के है तुम देव कहाए, हिंदू के है तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, दोनों दीने का झगड़ा छेड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छेड़ गया, वाटो है ना पाया शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अपने आत्माओं, हमने भगवान का तो कैख का भी ना पता था, भगवान की तो हमें स्वप्न भी नहीं आती थी, हम ही नहीं जो समर्थ नहीं है उन्हीं को परमात्मा समर्थ मान कर अपना जीवन नाश किया करते थे। अब सौभाग्य आपका, परमात्मा की रजा से आपको ये ज्ञान और ये अमृत वचन सुनने को मिल रहे हैं, नहीं तो काल यहाँ नहीं आने दे, या तो मान लिख ला रहा आपको, ये लिख लेना कि आप नहीं आ सकते, परमात्मा ला रहे हैं आपको, आप वो बच्चे हो परमात्मा के जो 600 वर्ष पहले भी उनके शिष्य हुए थे 64 लाख, पहले वो 64 लाख आएंगे, उसके बाद परमात्मा नई कलम चढ़ावेगा, पूरे विश्व को शरण में लेकर उनका कल्याण करेगा, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। अब जो आज का प्रसंग चला था कि भाई परमात्मा को जानने पहचानने और अपने अंदर दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए हमने कोई ना कोई आधार बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा आधार हमारे ग्रंथ है, उनको तो हम फाइनल मानते ही रहे, उसके बाद जो संत परमात्मा जिनको मिला वो ऊपर गए, फिर उन्होंने जो लीलाएं बताई, परमात्मा ने जो लीलाएं की, जो सुख दिए, और जो वेदों से फिर अब मिल रहे हैं, तो कौन है परमात्मा? और फिर उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले, भगवान ने उनको कहा भी ऐसे नहीं, अब तो मैं ले आया आपको सतलोक ले आया हूँ, और ये तुम देख लो, ये तुम्हारा मूल स्थान है, जितने भी चीटी से लेकर हाथी और ये रंक से लेकर राजा और भूत पितरों से भूतों पितरों से लेकर देवता तक, जितने भी वो 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, वो सब तुम यहीं रहा करते थे, अब इस सुख को छोड़कर तुम कहाँ भटक रहे हो, सारा जीवन तुम्हारा एक रोजी रोटी पूरी नहीं होती हुआ, अरे यहाँ सब भरे भराए भंडार हैं, ओए होए। अब उसको देख के जो भी महापुरुष मांगा, फिर तो वो तो कहते ना दांतों तले उंगली जब चबाता ही रह गया,
उन्होंने फिर कलम तोड़ महिमा गाई उस समस्त कबीर भगवान की और सतलोक की। अब उनमें से एक दादू साहब जी हैं, दादू साहब 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे, जिंदा महात्मा के रूप में भगवान आए, वो आती लीला ऐसी करती है। उनको एक पान के पत्ते के ऊपर पहले ज्ञान सुनाया, फिर उसकी रुचि बढ़ाई और बच्चे उठकर चले गए, वो अकेला बच्चा रह गया। तो परमात्मा ने अपने करमंडल से अपने मुख में पानी भरा और पान के पत्ते पर उसको वापस कर दिया और दादू से कहा कि ये अमृत है बच्चा, पीवेगा अखिलाव जी? बालक तो बड़े गजब की आत्मा होती है। अखिलाव जी गट गट पी गए और फिर उनकी परमात्मा से उन अर्ज की थी कि मुझे सतलोक दिखाओ दाता, वो गवाह बनाने थे। तो उनको आत्मा को निकाल ले गए, दादू अचेत हो गए, दादू जी के अचेत हो गए, जैसे कोमा में होते हैं, मरता नहीं उसमें प्राणी। घरवालों ने खोज खाज कर देखा, खोजा कि बच्चा वहाँ था, कि बच्चों ने बताया कि इसके पास एक बाबा जी बैठा था, उसने ऐसे ऐसे किया था और हमने तो पिया नहीं और इसने वो जल पी लिया जो उसने अपना जूठा पिलाया था और हम भाग गए, ये वहाँ बैठा रह गया, उसके बाद इसकी ये दशा होगी होगी। घरवाले घर ले आए, 3 दिन 3 रात अचेत पड़ा रहा दादू जी। उसने उसकी आत्मा को सारे भरमा के दिखा के भ्रमण करा के फिर 3रे दिन वापस छोड़ा। आसपास सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हाहाकार मची हुई थी। जब दादू जी से सचेत हुए, उन्हें देखा ये क्या हो गया, नहीं तो दादू जी सोचते मुझे स्वप्न आया होगा। जब सारे हाहाकार मच रही थी तब तो विश्वास डढ़वा के मैं तो भगवान के साथ गया था, और कौन है वो भगवान? जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई ले वे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। दादू नाम कबीर का ये सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाले। जो जो शरण कबीर की वो तिर्ग अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोए, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब ये ठीक पूरा हो, जब ठीक पूर्ण होवे जब सब को तुझे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जब जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, काल के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब वो आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, ब्रंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर ये पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्ति के अश्वार को ये स्वान काल ना खाए।
सुमरत नाम कबीर का ये कट काल की पीरे। दादो दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओट, तिनको कभू लाग नहीं ये काल बजर की चोट। और संत सब कूप है केत्य जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर, श्वास उसांस सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीज रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही न जाए। जिन मोह को निज नाम दई सोई सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा एक किसी को भी सच्चा सिद्ध करने के लिए दो गवाह पर्याप्त होते हैं, और दास ने परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और कम से कम 6-7 गवाह आपके सामने रख दिए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब दादू साहब क्या बता रहे हैं, परमात्मा की महिमा को कैसे वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मुझे निज नाम दिया, सच्चा नाम दिया, वास्तविक सार नाम दिया, वही मेरा भगवान, वही मेरा गुरु है, और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। फिर कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लाग गए नहीं ये काल वज्र की चोट। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाना। कहते हैं ये काल तक तक के पग पग पर पता नहीं के अटैक कर दे किस प्राणी के ऊपर, किसी को अधरंग कर दे, किसी के कुछ कर दे, किसी को एक्सीडेंट दुर्घटना मार दे, की तरफ फ्लड ला दे। तो परमात्मा दानक दादू साहब कह रहे हैं कि जो कबीर साहब की ओट में सच्चे गुरु के माध्यम से जो आ गया वो ओट होती है, और उनको कबू लाग गए नहीं फिर काल वज्र की चोट, काल के तीर का उस पर असर नहीं होगा जो वो अटैक करता है कर्मों के आधार से। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, सच्चे नाम के साथ चलेगा तो हो न बाका बाल। कहते कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। कबीर करता आप है वो परमात्मा स्वयं ही है और नहीं कोई, और पूरे संसार को यदि सत भक्ति देता है तो वही देता और किसी के पास नहीं है। एक दादू साहब सत करे सिद्ध करे। अपने आत्माओं जैसे एक भगत का पत्र मिला था मुझे, नाम तो ध्यान नहीं, उसने दास के ये वचन सुनकर के अभी नाम नया नया नाम लिया था, वो फिर गया दादू पंथियों के पास जो उनके गांव में डेरा था, उनसे चर्चा की। वो कहने लगे नहीं दादू साहब तो स्वयं आए थे, वो तो कमल के फूल पर पाए थे, ये हुआ था फलान हुआ था, उनको कोई कबीर नहीं मिला। तो उसने कहा जी मुझे शंका, आपके ज्ञान पर तो शंका नहीं है, लेकिन ये क्या बात है, वो तो वहाँ के पुरातन हैं, बहुत पुराने परंपरागत हैं, वो इससे परिचित क्यों नहीं है। और साथ में उसने क्षमा याचना भी की थी कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं गया तो इसलिए था कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करूं और दृढ़ता आवे मेरे में, वो भी यही बताएंगे। जो आप बता रहे हो आप तो नहीं की वाणी बोल के बता रहे हो, लेकिन वहां उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी उनको मिले थे। तो मुझे कुछ अविश्वास सा हो गया तो इस बात से कि वो तो बहुत पुराने हैं। तो उस भगत के लिए और सभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि यही तो मार खाते हम, जब आपने गुरु बना लिया दास को फिर ठीक है किसी से चर्चा तो हो सकती है, फिर अविश्वास हो गया तो फिर आप तो भगत को नहीं रहे। आप विचार करो, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था,
पुराणों को पढ़ने वालों को पुराणों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोवर बताओ, सर्वशक्तिमान बताओ, उनके माता पिता कोई नहीं, और दास दिखावे पढ़ावे, और फिर कोई उनसे पूछे जाकर उन नकली गुरुओं से जिनके पास पहले फंस रहे थे, उनका ज्ञान ही नहीं था हिंदुओं के, तो वो क्या बताएंगे, झूठ बोला रामपाल, वो क्या जाने, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो यह अकल तुम्हारी अब भी कमजोर रहेगी जब आप दास के इन बातों विश्वास नहीं करे। ऐसे ही कबीर पंथियों को कबीर सागर के बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं। एक भक्त भ्रमित होकर के गया पाखंडियों के पास, ज्ञान हमारा समन चुका था, उसने सोचा कि रामपाल तो अभी नौकरी नौकरी छोड़कर लग गया नाम नूम देन, कहीं ऐसा ना हो पुराने आश्रम हैं, परंपरागत महात्मा बैठे हैं, वो तो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण पाएंगे। उन पर कख नहीं पाया उसको, और आखिर में आकर फिर रोया, ने बोला जी मेरे अंदर एक दोष आ गया था, जितना नालायक हूँ मैं, मैंने सोचा था उन महापुरुषों के पास कुछ पाओगा, उनके पास कख भी नहीं पाया, मूर्खों के पास कति खाली खोखे। मैं भले आदमी अगर इस उनके पास कुछ होता तो दास ने क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की, मैं भी उनसे नाम लेकर अपनी मोक्ष करा लेता। तो ये भ्रम मिटता सा मिटेगा, लेकिन साथ साथ समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है कि जो इस वाणी को पढ़कर वहां धक्के खान गया, पहले तो एक नंबर का मूर्ख, इतना प्रमाणित कर दिया सब कुछ, एक एक वचन साचा दास का हर चीज से मेल खाता है, और उनको अपने धर्म का आज तक किसी को नहीं पता। तो उनसे ही आप टैली करोगे मेरे वचनों को, तो वो कैसे खरे उतरेंगे, और उनको आप फिर सच्चे मान रहे हो क्योंकि वो पुराने बैठे हैं वहां पर। अरे आचार्य शंकराचार्य कितने पुराने बैठे हैं, कख भी ना पता भक्ति मार्ग का, रामकृष्ण की भक्ति करावे, और वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, ये रामकृष्ण का कहते हैं नामो निशानी वेद और गीता में भक्ति करने का, तो ये हमारे सद ग्रंथ हैं। इस प्रकार आपने इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठीक पूर्ण हुआ जब, ठीक माने समय, निर्धारित समय पूर्ण हुआ जब सब को तज शरीर, और दादू काल गंजय नहीं उसको पकड़ नहीं सकता, जपे जो नाम कबीर, यानी कबीर कबीर नहीं जो संत उसका होगा, और जो मंत्र देगा वो नाम भगवान को पाने का होगा उसके जपने से। अब क्या बताते हैं के सुन 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 साख कबीर की, ओए होए सुन सुन साखी कबीर की, ये काल नवावे मात, और दादू भजन धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। अब क्या कह रहे दादू साहब जी कि भगवान कबीर साहब की ये साखी वचन सुनकर काल का भी मस्तक अपने आप झुक जाता है, परमात्मा की महिमा इस इतना बल है इस वाणी में कि वो काल भी मत्था नीचा कर लेता जो मालिक की चर्चा हो रही होती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, फिर कहते केरी नाम कबीर का, और विषम काल गजराज, और दादू भजन प्रताप से, यो भाद्य भाग्य सुनतावाज। अब जैसे परमात्मा ये बता, दादू साहब ये बताना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटा छोटी शक्ति नहीं है। जैसे ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 17 18 में क्या कहता है कि दो पुरुष हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत और ये सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर ये कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम अवश्य विवर्ती अवेश्वर है, उत्तम पुरुष तो इन दोनों से कोई और है, सर्पुरुष अक्षर पुरुष से। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम पावर है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड के, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं वेद और लोक में, इस मेरे अंतर्गत जितना लोक आते हैं 21 ब्रह्मांड में और वेदों में, लोक वेद माने सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं परसोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जो मेरे अंतर्गत हैं इनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से
यानी सक्षेत्र में मेरे लोक में चल रही दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम तो पदरमेदा के 17वें श्लोक में बता दिया, कोई और है। तो यहाँ दादू साहेब उसी का सेकंड कर रहे हैं, उसी को बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का और बिखम काल गजराज। जैसे एक हाथी होता है, हाथियों का राजा होता है, यहाँ राजा वही होता है जो बलशाली हो। तो गजराज माने हाथियों का राजा, सबसे शक्तिशाली जो हाथी हो वो तो समझ लो इस काल को। और परमात्मा कबीर साहब की जो भक्ति और शक्ति है उसके नाम को समझ लो केहरी, यानी बब्बर शेर। और जब बब्बर शेर धाड़ मारता है ना, अब तो परिवर्तन होता जा रहा है हर एक चीज़ में, लेकिन पहले की बातें हैं, जब बब्बर शेर धाड़ मारता है तो कहते हैं वो उनका जो हाथियों का जो झुंड का मुखिया भी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता है, टट्टी कर देता वो, और चंगाड़ मार कर भागने की चेष्टा करता हूँ, सोचे आ गया पाछे थे। तो यहाँ कहते हैं दादू साहब तुलना कर रहे हैं कि केहरी नाम कबीर का और विखम, यानी वो भी खतरनाक है का, विखम काल गजराज। और कहते हैं परमात्मा के सच्चे भजन के मंत्र से ऐसे भाजा जैसे शेर की धाड़ के सामने हाथी लीद करता हुआ भाग लेता है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खाए। अब दूसरी पंक्ति में, दूसरी वाणी में दादू साहब जी परमात्मा की शरण में आए प्राणी को कितना सुरक्षित सिद्ध करना चाहते हैं कि आप कितने सुरक्षित होगे और काल की इस पहुंच से आप कितने बाहर होगे, जो काल आपके ऊपर अटैक करने थे, कर्मों की मार डालनी थी। जैसे एक हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति, वो तो समझ लो भगवान की शरण में है जो हाथी पर बैठा है। और अब परमात्मा ने इस काल को कौन सी संज्ञा दी है, कुत्ते की। हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को एक कुत्ता कोई हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, अंडरस्टूड है। वो उसको कुत्ते की पहुंच से कितना ऊपर है, कितनी दूर है, पहले तो हाथी के निकट नहीं आ सकता, और आ भी गया तो वो हाथी को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, उसके इसे मोटे मोटे पैरों हैं। और जब सूंड की रेंज में आ गया तो कुत्ते की जान पावना टोई, कुत्ते को यह भी मालूम होता है। तो इसलिए कुत्ता हाथी से 50 फुट की दूरी पर ही भौंक सकता है, उसको देखकर भौंक भौंक भौंकता रहता है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि जब तुम कबीर परमेश्वर की शरण में आ गए, आप बैठ गए हाथी पर, और काल के द्वारा आपके जो कर्म संस्कार बुरे थे वो समझ लो काल का रूप है, वो है कुत्ते। अब उन पाप कर्मों से, संकटों से आप इतनी दूर होगे जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं कर सकता, ये समझ लेना। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि यानी हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खाए। और संत सब कूप हैं ये केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब के देखो कितना अच्छा तुलना की है, आज के सत्संग से भी संबंधित है ये। और संत सब कूप हैं, कूप माने एक कुआ। अब एक कुएं का, एक कूप से पीने का काम ही चल सकता है ना, सिंचाई बड़ी सी हो सकती है पूरे क्षेत्र की। और कहते झरीता नीर, झरीता माने झरना बह रहा हो पानी, वो थोड़ा सा सीमित सा ही होता, ज़्यादा नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। कहते हैं कहते और संत सब कूप हैं, यानी काम चलाओ सी शक्ति उनके पास है, सिद्धि सैद्धि थोड़ी बहुत राहत आपको दे सकते हैं।
और कहते रीता नीर यानी कुछ झरने समझ लो बस इतने ब्योत से देवी देवताओं का। और दादू अगम अपार है वो दरिया सतकबीर होय होय। अब जैसे गोरखनाथ जी ने एक तलैया को अपने सिद्धि शक्ति से अपने संस्कार से भर दिया, अब उससे तो गांव वाले भी संतुष्ट नहीं हुए जिस के काम चल है। ये तो कहते हैं ये तो इतनी शक्ति रखते हैं जैसे कुएं का जल हो उसमें थोड़ा ही काम चले। और दादू अगम अपार है परमात्मा कबीर जी कहते हैं दादू अगम अपार है दरिया सतकबीर। तो उस दरिया सतकबीर यानी जिसके पास शक्ति का वार पार ना हो, जैसे दरिया के जल का कोई वार पार नहीं होता, ऐसे है वो कबीर भगवान। उन्होंने वहां मगर के अंदर वर्षा का बौछार लगा दी और सबके में बरक दिया और सब ठाठम ठाठ कर दिए। तो ये है तो पुणात्माओं आज आपको ये सिद्ध हुआ कि वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है और उसमें लीला करते समय अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उनमें से कुछ एक का भी वर्णन दास दे पाया है, समय हो गया है और फिर बताएंगे आने वाले सत्संग में। तो उन्होंने भी क्या बताया है, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको इतना प्रमाणित और दृढ़ ज्ञान मिला है, अब इसके पीछा छुटवा लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। समझा है तो सिर दर पाओ बाहर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।